दोस्तों, हर्ष आ चुका है यहाँ पर। उल्लास कौन है, मेरे को बता उल्लास कौन है? अरे उल्लास भारतीय एक्स का नाम है। अच्छा अच्छा, फिर ठीक है। लेकिन हर्ष, हम नहीं जानते थे कि भारती का एक्स नाम उल्लास है। एक्चुअली भारती को जब मूछें हुआ करती थी तब उसका नाम उल्लास था। जैसे मुंडवा दी तो हमने उसका नाम भारती रखा। लेकिन देखो दोस्तों, हमारा रिश्ता इतना प्यारा है, इतनी अच्छी दोस्ती है, क्या बात और है, दिवाली है तो गिफ्ट्स तो बनते हैं गाइस, है ना? ये क्या है भाई, खाली हाथ आए हो? अरे मैंने क्या बोला, हमारे रिश्ता है, इतना प्यार है, इतना एहसास है, तो क्या आप लोग थाल भर के मेरे को गिफ्ट नहीं दोगे? दिवाली है। तुमने ये खाली हाथ की प्लेट देकर हमें ये गिफ्ट दी है। मैं चाहूंगी ये पूरा भर जाए, भरने से भी ज्यादा भर जाए, क्योंकि गोला है घर पे यार, गोला इज सो क्यूट, टच वुड। दोस्तों आज तक आप लोगों ने मुझे सिर्फ भारती के साथ देखा है, तो आज ऐसा कैसे हो सकता है यार कि मैं मतलब थोड़ा आपको भारती जैसा फील आएगा। सौ किलो का लड्डू। इस दिल के लड्डू बढ़ गए। क्या आप लोग लड्डू खाना चाहते हैं? यस। नहीं मिलेगा। अरे विशु सर, जजेस, हर्ष, चिंता ना करें, हमारे पास दो एपिसोड हैं ये लड्डू खत्म करने के लिए, और मुझे पूरा भरोसा है कि दो एपिसोड तक हम ये लड्डू पूरी तरह से साफ कर चुके होंगे। इस दिल के लड्डू बढ़ गए। I love लड्डूस। थैंक यू आजी। अरे रियली अच्छा है लड्डू यार। क्या लड्डू है यार, मजा आ गया। Fresh. अरे इतने सारे लोगों के लड्डू खाने के बावजूद ये लड्डू सिर्फ एक किलो का हुआ है। दिवाली की धमाल मस्ती शुरू की जाए। Let's go! इस दिल के लड्डू बढ़ गए। पलक बुहारो आंगनो रानी सा पधरा, घूर रमवाने आप पधारो। Ah.
क्या गाया, क्या गाया गाने में तो बिल्कुल आलस नहीं था लेकिन। हाँ यार क्या बात है। सोनाक्षी चाहे तुम आलस की दुकान हो लेकिन सच यही है कि इंडियन आइडल की आन बान और शान भी हो। ओए होए, वाह वाह वाह। आपने ना सोनाक्षी जब बिगिनिंग में आई थिंक एडलिप के टाइम पे एक बड़ा अच्छा सा आलाप लिया था, वो फिर से लेके बताओगे? अगर ऐसे आलसी लोग इतने टैलेंटेड होते हैं तो मैं कहूंगी हर कोई आलसी हो। बड़े सालों के बाद इस देश में दिवाली फुल फोर्स में मनाई जाएगी, पूरे दिल से मनाई जाएगी। ऐसे बड़े सेलिब्रेशन का जो आगाज आपने किया है, जो शुरुआत आपने की है, कांट बी बेटर देन दैट। कांग्रेचुलेशंस। सोनाक्षी एक बात बताओ, आप इतने कॉन्फिडेंस से गा कैसे लेती हो? हर्ष भैया, आज दिवाली का त्यौहार है और मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि फेस्टिवल्स में एक अलग ही माहौल होता है और मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा लक्की मानती हूँ क्योंकि मुझे ये दिवाली पूरे आइडल परिवार के साथ मनाने का मौका मिला है। तो इस दिवाली को और भी ज़्यादा एक्साइटेड बनाने के लिए मैंने अपना बेस्ट दिया और 100% एफर्टलेस परफॉर्मेंस देने की कोशिश की। क्या बात है यार। हो चेहरा है या चांद खिला है, जुल्फ घनेरी शाम है क्या, सागर जैसी आँखों वाली, ये तो बता तेरा नाम है क्या। अरे तू क्या जाने जाता लम्हा थम जाए, वक्त का दरिया बहते बहते इस मंजर में जम जाए। तूने दीवाना दिल को बनाया, इस दिल पर इल्जाम है क्या, सागर जैसी आँखों वाली, ये तो बता तेरा नाम है। से दूर सही और तू मुझसे अनजान सही, तेरा साथ नहीं पाऊं तो खैर तेरा अरमान सही। ये अरमा है शोर नहीं हो, खामोशी के मेले हो, इस अकेले हो, तेरे सपने देख रहा और मेरा अब काम है क्या, सागर जैसी आँखों वाली, ये तो बता तेरा नाम है क्या। चेहरा है या चांद खिला है, सुल्फ घनेरी शाम है क्या, सागर जैसी
सी आँखों वाली, ये तो बता तेरा नाम है क्या? वाह, थैंक यू। चिराग, मजा आ गया यार। ये मजाक हम लोग करते रहते हैं चिराग के साथ, काव्या, रूपम, ये सब बातें अलग हैं, लेकिन तुमने जो गाया यार, स्ट्रेट दिल को छू लिया, क्या बात। थैंक यू सर, थैंक यू सर। चिराग, जिस तरह से आपने दोनों अंतरे गाए ना, ओह माय गॉड, सो ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल। एंड फॉर दैट मैं आपको स्टैंडिंग ओवेशन देना चाहूंगी। क्या बात। अरे तू क्या जाने तेरी खात कितना है बेताब दिल। थैंक यू सो मच। आपको पता है कभी एक झील दिखती है आपको, उसमें कोई लहर नहीं होता, कोई मूवमेंट नहीं, तो उसकी गहराई का एहसास लगाना बहुत ही डिफिकल्ट है। आप वो वाली झील हो, मतलब हर परफॉर्मेंस के साथ एक अलग गहराई दिखाई दे रही है आप में। आप इम्प्रूव बहुत, मतलब जोरों में कर रहे हो। अगली बार जब आप परफॉर्म करो ना, हम तीनों ऐसे, मतलब फट के ऐसे खड़े हो जाओ, कम ऑन चिराग, क्योंकि आप में वो बात है। ओके, फाइंड इट, गुड लक। थैंक यू चिराग। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू चिराग के लिए तालियां। हवा के साथ साथ घटा के संग संग, ओ साथी चल मुझे लेके, साथ चल तू दिनी दिन रात, चल तू सफर मेरे साथ, चल तू ये हाथों में हाथ, चल तू ओ साथी चल मुझे लेके, साथ चल तू यूं ही दिन रात, चल तू सफर मेरे साथ, चल तू ले हाथों में हाथ, चल तू ओ साथी चल। क्या बात है यार, क्या बात है। कसम से ऐसा लग रहा था जैसे बेटी की विदाई होने वाली है और पापा से कहती, पापा एक बार डांस कर लो मेरे साथ, फिर तो मैं उनके घर चली जाऊंगी। विशु सर, मुझे ईर्ष्याजनक नजरों से क्यों देख रहे थे, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। विशु सर, आपको करना है डांस मेरे साथ। क्या आप मुझे और विशु सर को ये डांस करते हुए देखना चाहते हैं? हाँ। हो जाए। चल मुझे देख साथ, चल तू भी दिन रात, चल तू मेरे साथ, ओ पर्वत से आके ना टकरा जा, दुबन के बादल ओ साथी चल, यार क्या बात है। आदि एंड विशु सर के लिए जोरदार तालियां। एंड आदि, यस नेहु, हर्ष, यस, बोले 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 बोले, मौसम बदल दिया। चलिए बुलाते हैं अगले कंटेस्टेंट को, देश का प्यारा ऋषि सिंह। हा हा हा, हाय ऋषि। हेलो सर, कैसे हैं? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे लग रहे हैं आज ऋषि। थैंक यू सर, इतना अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छे लग रहे हो, वेरी वेरी हैंडसम। थैंक यू सो मच मैम। आज तो मतलब बहुत कुछ स्पेशल होना चाहिए था ना, मतलब अयोध्या की दिवाली तो सबसे बड़ी दिवाली होती है। जी मैम, एक्चुअली मैं खुद ही अयोध्या की दिवाली मिस कर रहा हूँ इस बार, पर आज मेरे मम्मी पापा आए हुए हैं, तो आप सबके लिए वो मिठाई लाए हैं प्रसाद के तौर पे, आप सबके लिए। तो मैं चाहूंगा कि मैं उनसे आशीर्वाद लेके आप सबको मिठाई। जय श्री राम, जय हनुमान। जय श्री राम। जय श्री राम, जय हनुमान। क्या बात है, वाह। Wow.
ऋषि थैंक यू भाई, बहुत ही बहुत ही बहुत ही स्वादिष्ट है, थैंक यू. क्या बात है, वाह मजा आ गया. जो मेरे सीने में है दफन, इनको जरा देखे हवा, बन जाऊं मैं अगन. चिंगारियां ये जो मेरे सीने में है दफन, इनको जरा देखे हवा, बन जाऊं मैं अगन. दहक रहा है बन के शरारा, देख मेरा बदन, सब कुछ मेरा करके बना, करता हूं मैं हवन. ओम देवा देवा, ओम देवा देवा नमः, नमः नमः. ओम देवा देवा, ओम देवा देवा नमः, नमः नमः. महसूस खुद को मैंने किया जब तूने छुआ. ओम देवा देवा, ओम देवा देवा नमः, नमः नमः. मेरा करके बना, करता हूँ मैं हवन. ओम देवा देवा, ओम देवा देवा नमः, नमः नमः. ऋषि ऋषि ऋषि, कम हियर कम हियर. आइए, 2022 की आवाज ऋषि सिंह, आपने मौसम बदल दिया. Thank you so much, sir.
दोस्तों मुंबई के ऑटो वालों से आप कहीं भी जाने के लिए कहिए, 10 में से 9 बार आपको रिजेक्ट करेंगे। हाँ, पर एक कन्या है जो इतनी खुददार है कि उसने आपका खुद का ऑटो खरीद लिया, खुद को खुद सवारी बिठाती है, खुद से कहती है भैया आपका मीटर तेजी से भाग रहा है, और खुद को खुद जवाब देती है इतनी प्रॉब्लम है तो उतर जा, और खुद के इंसल्ट से इंसल्टेड होकर खुद चलते ऑटो से कूद जाती है। खुददारी की ऐसी मिसाल, वो भी आज के समय K3L यानी खुददार कन्या काव्या ले में। हर चिन मन फूंक जलावांगी, जद पत्थर रांझा पिघलेगा, तद मैं कमली कहलावांगी, तद मैं कमली स्टेज, हर्ष ऐसा नाचा कि घुंघरू टूट गए। प्राउड पेरेंट से पूछना चाहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन चिराग के क्या हो? चिराग के पेरेंट्स, आपको काव्या का गाना कैसा लगा? बहुत अच्छा गाया। अच्छा लगा? हाँ जी। अच्छा, आपको बहू कैसी चाहिए थी वैसे? अच्छा, रैंडम ही पूछ रहा हूँ यार, अब मिले बात नहीं। बहू जो बेटे को पसंद होगी वैसी। बट वो तो हर हफ्ते बदलती है ना, क्योंकि जुहू बीच पे
1970s के बाद प्रपोज करना बंद हो गया था, इसने स्टार्ट करवाया है। जिस बेटी की वजह से मम्मा की फेमस हो गई है सारी नारी, ऑलवेज इन सारी सेन गुप्ता संचारी। ओहो बातें प्यारी प्यारी। अरे कुछ ना, कान के पर्दे फट चुके हैं, वो कौन सा नोट उन्होंने लगाया जो एंड, ओह माय गॉड।
जजेस, संचारी की मम्मी ने जिंदगी में एक बहुत बड़ा कदम उठाया है और मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ. क्या बात है? अभी अभी मैं मम्मी को मुंबई शिफ्ट करवाई. यहाँ जैसे शिफ्ट होने के बाद मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है क्योंकि यहाँ पे हाउसवाइफ की जिंदगी आज एक बिजनेस वुमन की जिंदगी में चेंज हो रहा है. ऑर्डर्स आ रहे हैं बहुत सारे तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. और मैंने मेरे ब्रांड का नाम भी संचारी डिज़ाइन ही रखा है क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है ये मेरी बेटी के कारण ही हो रहा है. एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए. और हमारी दिल से दुआ है संचारी कि संचारी डिजाइन्स का नाम पूरे दुनिया में रोशन हो जाए और हर जगह पर जहां पर कोई बहुत ही सक्सेसफुल वेंचर की बात हो वहां नाम हो संचारी डिजाइन्स. और मैम एक शिकायत है आपसे. आपने नेहा को साड़ी दी. जो भी हमारे यहाँ बड़ी बड़ी अदाकाराएं आती हैं आप उन सबको कभी कभी मर्दों का भी सोचिए कभी एक एक ऐसा एक जैकेट मैं भी पहनना चाहूंगा. इतना खूबसूरत आपका काम है. जरूर जरूर दूंगी. और मैं एक कुर्ता. जरूर जरूर एकदम एकदम. संचारी आपने तीनों गाने बप्पीदा के गाए और बप्पीदा अब इस दुनिया में नहीं है बट मुझे लग रहा है आज ये परफॉर्मेंस देख के बप्पीदा खुद बहुत प्राउड हुए होंगे क्योंकि आज संचारी ने जो परफॉर्म किया है. संचारी रियली 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 प्राउड ऑफ यू. सब लोग जोरदार तालियां बजाओ संचारी के लिए. आपने मौसम बदल दिया. संचारी की मम्मी प्लीज अगर आपके पास 6-7 महीने हो तो भारती के लिए भी एक साड़ी पेंट कर देना. अरे अरे मैम मैम एक मेरी वाइफ के लिए बनाइए ना प्लीज. हाँ जरूर जरूर जरूर. और प्लीज मुझसे पैसे लीजिएगा. और मुझसे मत लीजिएगा. यार गिफ्ट होता है यार. सबसे दीवाना हुआ सबसे बेगाना हुआ रब भी दीवाना लागे रे. रब भी दीवाना लागे रे. हो जब से तेरे नैना मेरे नैनों से लागे रे. जब से मिला है तेरा इशारा तब से बढ़ी है बेचैनियाँ. जब से हुई सरगोशियाँ तब से बढ़ी है मदहोशियाँ. जब से जुड़े यारा तेरे मेरे मन के धागे रे. तब से दीवाना हुआ सबसे बेगाना हुआ रब भी दीवाना लागे रे. रब
भी दीवाना लग रे हो जब से तेरे नैना मेरे नैनों से लग रे प्रीतम बहुत ही सरल बहुत ही सच्चा गाते हो आप आपकी आवाज़ में एक मिठास है जो एक्चुअली याद दिला रही है मुझे कि मतलब शान कितना ग्रेट कलाकार है व्हाट अ इनक्रेडिबल सिंगर ही इज़ और मतलब मैं इनफैक्ट अभी उनको टेक्स्ट ही करने वाला हूँ बड़े दिनों के बाद इस गाने को याद किया है व्हाट अ परफॉर्मेंस इट इज़ और आपने बहुत ही अच्छा गाया एक्सप्रेशन आपने बहुत सही पकड़े गाने के डायनामिक्स बहुत सही पकड़े आई रियली एंजॉयड इट थैंक यू सर तुमने एक अलग ही बात है प्रीतम बा मैं तुम्हें प्रीतम बा इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि ऐसा गाते हो कि दिल से वाह निकल जाती है हाय हाय क्या बात थैंक यू सर फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़